हेलो स्टूडेंट, आज हम रोडवर्थीनेस के बारे में पढ़ेंगे। रोडवर्थीनेस के लिए मतलब बेसिक मीनिंग क्या है इसका? हम ये मानते हैं भी गाड़ी जब आपकी सड़क पर आएगी तो वो जो कार है या जो व्हीकल है उसको कई नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे लीगली भी वो कार आपकी या वो व्हीकल आपका सड़क पर आ सके। तो ये आपको रोडवर्थीनेस सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है, जैसे ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उसको तो कंपल्सरी होता है भी आप रोड वर्थीनेस सर्टिफिकेट लीजिए तो उसके बाद आपका जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है वो चलेगा। तो इसमें जो रोडवर्थी इंस्पेक्टर है वो किस चीज़ की इंस्पेक्शन करता है वो आज हमने देखनी है। तो सबसे पहले रोडवर्थी इंस्पेक्शन इज डिज़ाइंड टू चेक द व्हीकल, इट इज़ यूज बेसिकली टू चेक द व्हीकल टू मेक श्योर दैट इट्स इम्पॉर्टेंट ऑटो पार्ट्स आर इन गुड कंडीशन। जो डिफरेंट पार्ट्स जो हमारे व्हीकल पे लगे होते हैं क्या उनकी कंडीशन गुड है कि सेटिस्फैक्ट्री है, ये सारा कुछ हम चेक करते हैं इसमें। दैट इज़ इनफ फॉर सेफ रोड यूज़, मतलब रोड वर्दीनेस का मतलब ही ये है भी उसकी कोई वर्थ है, मतलब जो सड़क पे चल रही है गाड़ी वो क्या सेफ है पैसेंजर के लिए भी और जो पेडेस्ट्रियन है उनके लिए ये सेफ है। इट कंसिस्ट ऑफ चेकिंग ऑफ, तो रोड वर्दीनेस में हम गाड़ी का क्या क्या चेक करते हैं। मानो एक बात है भाई, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है हम सबको चेक करते हैं, क्योंकि गाड़ी ने सड़क पर चलना है तो वो किसी को हार्म ना पहुंचाए और ना पैसेंजर को हार्म पहुंचाए। तो क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए उसमें, सबसे पहले हम देखते हैं व्हीकल की बैलेंसिंग अच्छी हो, व्हील और जो टायर हैं उसके वो सही कंडीशंस में हों, वॉबल ना करें टायर और व्हील, जो मिरर हैं जो बैक मिरर है या साइड मिरर है वो बिल्कुल सही हो, आपको बिल्कुल सही तरीके से नज़र आए। स्टेयरिंग सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग सिस्टम जो कि गाड़ी का मेन सिस्टम है, ये तीन स्टेयरिंग सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग सिस्टम ये तीनों सही होने चाहिए। अगर स्टेयरिंग खराब है देखो तो भी गाड़ी सही नहीं है, सस्पेंशन है तो वैसे ही खराब हो जाएगी, ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है तो फिर तो देखो एक्सीडेंट हुआ और हुआ। जो सीट्स हैं वो भी कंफर्टेबल होनी चाहिए, उनकी कंडीशन ठीक होनी चाहिए, जो सीट बेल्ट है उसका जो मैकेनिज्म है वो ठीक होना चाहिए, वो कहीं अड़ना नहीं चाहिए। लाइट्स एंड जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो रात के लिए जो लाइट्स एंड रिफ्लेक्टर्स हैं बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए। विंड स्क्रीन जिससे हम कार में से बाहर देखते हैं, जो आप बाहर देखेंगे तो यानी हम कह सकते हैं विंड स्क्रीन बिल्कुल साफ होनी चाहिए, ये नहीं भी आपको सही तरीके से नजर ही ना आए और आप गाड़ी चला रहे हैं। विंडोज इंक्लूडिंग फ्रंट वाइपर सही होना चाहिए, वॉशर सही होना चाहिए, एग्जॉस्ट ऑन द टेल पाइप भी होना चाहिए, ये भी देखना चाहिए जो टेल पाइप से एग्जॉस्ट निकल रहा है वो क्लियर है कि नहीं है। ऑल इंजन कॉम्पोनेंट्स, जितने भी मैं कंपोनेंट के नाम नहीं ले सकता, इंजन में हज़ारों कॉम्पोनेंट होते हैं तो वो सारे तो नहीं बताए जा सकते, मतलब अकेला अकेला कंपोनेंट वो सारा कुछ ठीक होना चाहिए, कूलिंग सिस्टम भी सही होना चाहिए, सारा कुछ लुब्रिकेशन सिस्टम भी सही होना चाहिए। जो रैटलिंग ऑफ विंडोज़ है जैसे गाड़ी चलती है, देखो सबसे पहले आप जैसे किसी बस पे बैठते हैं सरकारी बस में तो आपको ऐसा फीलिंग आती है जो बस की जो खिड़कियाँ वो बहुत खड़क रही हैं, तो उसको हम रैटलिंग ऑफ विंडोज़ कहते हैं, वो भी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो मेरे दिमाग में भी नहीं आ रही, और जो वो व्हीकल को आपने सड़क पे उतारना है तो उससे पहले वो व्हीकल प्रॉपर होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें इस चीज़ में इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ द टॉपिक रोडवर्थीनेस। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय।